तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे अनदर वीडियो पे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी जो पैरेट फिशेस ने उन्हें बच्चे दिए थे, जो कि बच्चे बड़े हो गए और बहुत सारे बच्चे अपने आप पता नहीं कहाँ गायब हो गए, या फिर हो सकता है कि उनके जो अदर्स बच्चे थे उन्होंने उसको मार के खा लिया होगा, तो ये तो पता नहीं क्या हुआ। और तो आज उसी को हम यहाँ से पकड़ के नीचे में शिफ्ट करेंगे और बाकी हमारे जितने भी चिकलेट फिश है सारे को हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमको पानी थोड़ा सा बाल्टी में भर के मछलियों को पकड़ के अपनी जो फिशेज है उनको पकड़ के बाल्टी में डालना होगा, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं कि क्या करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा हीरा जो कि मछली का बच्चा एक छोटा सा घूम रहा है वहाँ पे, और ऐसे बहुत सारे अंदर में है, तो इनको सबको निकाल के हम देखेंगे और कितना बचा है। मैंने जानबूझ के साफ नहीं किया था अपना, क्योंकि मैं सोच रहा था कि शायद इनको हर्ट ना हो जाए, तो अभी साफ करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग बहुत बड़े हो गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे घूम रहे हैं, देखिए और बड़े हो गए हैं, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे, फिर इनका अलग से इनको फीडिंग देंगे। ये हमारा पानी देखिए यहाँ से आ रहा है और पूरा यहाँ भरा है। तो देखिए गाइस, हमने अपना सारा एसेसरीज वगैरह अब निकालेंगे और मैंने ऊपर का भी सब निकाल दिया है, तो धीरे धीरे सारा निकाल के फिर मैं फिश को बाहर निकालूंगा। मैंने चार मछली के बच्चे पकड़ लिए, पांच पकड़ लिए, नहीं छह पीस। मैं आपको दिखाता हूँ और इसको हम पकड़ के सबको, ये देखिए मेरे फोकस पे, ये देखिए मछली के बच्चे, इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा इसमें आराम से धीरे धीरे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सारा एक्सेसरीज निकाल लिया है और हमने अपने देखिए छोटी छोटी मछली के बच्चों को भी निकाल लिया है। देख सकते हैं, मैंने गिना तो 21 हुए हैं और 21 ही बचे हैं, और इनके पेरेंट्स यहाँ पर पे आप देख सकते हैं। और अभी मैं सारा पानी क्लीन करके नया पानी डाल करके, तो देखिए गाइस, हमने सारा पानी निकाल लिया है और थोड़ा सा पानी छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि जब नया पानी डालेंगे तो उसमें थोड़े अच्छे बैक्टीरिया रहेंगे। और इस तरह से देखिए, इस तरह से मदद से, मतलब कांच के हेल्प से, आप अपना पूरा जो नीचे का स्टोन है उसको पूरा सरफेस को पूरा सीधा कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि हाउ टू क्लीन योर एक्वेरियम करके, तो आप लोग जाकर के वहां पे देख सकते हैं और अपने एक्वेरियम को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। जैसे गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे नॉर्मली अपना सजा लिया है, देखिए, और यहाँ पे हमारा पानी भरने का काम चालू हो गया है और कुछ देर में हमारा पानी भर जाएगा एक्वेरियम का। गाइस, हम लोग का पानी ऑलमोस्ट हो चुका है और मैंने तब तक क्या सोचा कि एक अपना प्लेको को इसके अंदर हम छोड़ देते हैं, बिकॉज थोड़ा सा अच्छा बैक्टीरिया बना देगा हमारा प्लेको भाई, तो ये अंदर चला गया है। देखिए, तो आप लोग देख सकते हैं मेरा जो पानी है इसमें देखिए पूरा भर चुका है जितना मेरे को भरना था, और ये हमारे फिल्टर्स है, इसको मैं अभी साफ करके इसमें फिट करता हूँ सबको, उसके बाद मैं आपको फिल्टर चला के दिखाऊंगा। देखिए, हमारा पानी पूरा साफ है अभी, और साफ हो जाएगा अभी, डबल ट्रिपल साफ हो जाएगा अभी। तो आप लोग सब देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपना पूरा जो फिल्टर है मैं पूरा सेटअप कर लिया है, देखिए मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। और ये देखिए, ये हमारा फिल्टर चल रहा है, ये देखिए, और मैंने सारे जो छोटे फिश मछली के बच्चे थे सब मैंने नीचे शिफ्ट कर दिए हैं, अभी सब अंदर घुस गए होंगे, शायद नजर ना आए। देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे, देखिए ऐसे यहाँ पे दो दो हमारे पैरेट के बेबीज घूम रहे हैं, छोटे बच्चे, और ये साइज इनका देखिए, आप देख सकते हैं इनका साइज कितना ग्रो हुआ है। ये देखिए, एक यहाँ पर भी है और ये देखिए यहाँ पर भी दो है, तो इसी तरह से इसके अंदर बहुत सारे, देखिए यहाँ पर भी है, देखिए और यहाँ पर भी है, ये देखिए दो या तीन होंगे, तो इस तरह से इसके अंदर बहुत सारे हैं। तो अब हम अपने जो मेन पैरेट्स के पेरेंट्स हैं इनको पकड़ के अपने डालेंगे मेन टैंक में। और ये देखिए कि यहाँ पे घूम रहा है, इसका नाम है लेपर्ड कैटफिश, तो इसको पकड़ के डालते हैं। इसका कलर देखिए कितना अच्छा है, ये एक हमारा पैरेट चला गया अंदर, अब दूसरे को पकड़ेंगे। ये देखिए, आजा भाई साहब, आ गया, ये देखिए इसको पकड़ के डाल देंगे अंदर। ये देखिए, ये रिलीज हो गया अपने टैंक में। तो आप देख सकते हैं गाइस, मैंने थोड़ा सा सेटअप में चेंज किया है, आप भी अपने सेटअप जब भी कुछ करें
तो आप अपना सेटअप चेंज कर सकते हैं इसी तरह से। देख सकते हैं मेरा पानी अभी कितना क्लियर है, कल तक और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए हमारा कॉन्वेंट चिकलेट है और हमारी कुछ मछलियाँ ऑर्डर में है, वो आएंगी न्यू फिश, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस आपने देखा होगा मैंने किस तरह से अपने फिश को ट्रांसफर किया पैरेट्स के बेबीज को नीचे में, ये देखिए यहाँ पे उनको वहीं पर ही रखेंगे और उनका वहीं पर ही फीडिंग वगैरह होगा और ग्रो वगैरह वहीं होगा। तो देख सकते हैं आप पूरा अच्छे से है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ हमें दिल से सपोर्ट करें।